हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है, इसमें हम तीन चीजों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं, टोटिपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी और मल्टीपोटेंसी। अगर हम यहाँ पे देखें पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। जैसे कि मैंने कहा कि आप में कितना काम करने का पोटेंशियल है, आप एक काम कर सकते हैं, आप दो काम कर सकते हैं, आप तीन काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, पोटेंट मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। टोटी मतलब क्या है? टोटी मतलब टोटल पोटेंशियल। मल्टी मतलब क्या? आप मल्टीपल काम कर सकते हो। प्लूरी इन दोनों के बीच में आता है। अगर हम यहां पर देखिए, ये ठीक है पोटेंशियल की बात हो रही है, लेकिन किस सेल्स के पोटेंशियल की बात हो रही है? तो यहां पर हम बात करें स्टेम सेल्स की। अब ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सेल नंबर को मेंटेन रखते हैं, उसी के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होकर रिन्यू कर सकते हैं अपने आप को ही। तो हमारी बॉडी में क्या करेंगे? सेल का नंबर मेंटेन रखेंगे। दूसरी चीज ये क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज ये डिवाइड होके अलग अलग टाइप के सेल बना सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के सेल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने डिवाइड होके डिफरेंशिएट होके एक स्किन सेल बना लिया, इन्होंने डिवाइड होके डिफरेंशिएट करके एक नर्वस सेल बना लिया, इन्होंने डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके यहाँ पर एक मसल सेल बना लिया। तो ये इनके पास ये भी एबिलिटी होती है। तो यहां पर ये दो फंक्शन करते हैं, पहली बात कि अपना ही नंबर बढ़ाते रहे, रिन्यू करते रहे अपने आप को, और दूसरी चीज है कि डिफरेंशिएट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं। तो मैं स्टेम सेल्स को क्या बोल सकती हूँ कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, कहने का क्या मतलब है? जैसे अगर हम एक छोटे से बच्चे को लाएं, तो छोटा सा बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो LLB कर सकता है, वो BSc MSc कर सकता है, BCom कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो वो क्या एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे ही यहाँ पर स्टेम सेल्स होते हैं। अब स्टेम सेल्स में ये जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है कि वो कितने टाइप के सेल्स बना सकते हैं? अगर वो सभी टाइप के सेल्स बना सकते हैं तो टोटिपोटेंट है, अगर वो कम टाइप के सेल्स बना सकते हैं तो प्लूरीपोटेंट है, अगर वो और कम टाइप के सेल्स बना सकते हैं तो मल्टीपोटेंट है। आइए हम तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट मतलब क्या? भाई पूरा पोटेंशियल है तुम्हारे पास, कोई कमी नहीं है, टोटल पोटेंशियल है। अब हम अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है कि आप एक पूरा बच्चा बना सकते हो, वही एक टोटल पोटेंशियल होता है। तो अब यहां पर सिर्फ एक बच्चा नहीं बनता है, जब अगर बच्चा मम्मी के पेट में है तो और चीजें भी बनती है, उसको सपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्लेसेंटा होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो टोटल पोटेंशियल का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एम्ब्रियो तो बना ही सकते हो, लेकिन एम्ब्रियो को जो जो चीजें सपोर्ट कर रही है, जैसे कि प्लेसेंटा, वो सारी चीजें भी बना सकते हो, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर भी बना सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों चीजें बनाने की कैपेबिलिटी है तो आप एक टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स हो। तो यहां पर इस कौन से सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं देखूं यहां पर एक स्पर्म है और यहां पर ओवम है, अगर ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो किसकी सिंथेसिस करते हैं? जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट है, इसमें डिवीजन होती है, ये जाइगोट और इसमें क्लीवेज चलेगा और इसमें सेल्स बनेंगे। तो अगर हम यहां पर देखें, दो सेल बने, फिर चार सेल बने, फिर यहां पर कितने सेल बने? छह सेल बने, और फिर यहां पे आठ सेल बने। जब तक ये एट सेल स्टेज रहती है, तो इन सेल्स के पास ये जितने भी सेल्स हैं, ये कौन से होते हैं? स्टेम सेल होते हैं। और कौन से स्टेम सेल है? टोटिपोटेंट स्टेम सेल है। यानी कि दोनों टाइप के लेयर्स बना सकते हैं, मतलब बच्चा भी बना सकते हैं पूरा, और उसको सपोर्ट करने वाला सिस्टम भी बना सकते हैं। एक बार यहां पर और डिवीजन हो गया, तब फिर यहां पर सेल्स जो है दो तरीके के हो जाते हैं। एक यहां पे हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल, और दूसरा यहां पर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इसको हम क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। ये इनर सेल मास जो होता है, ये स्पेसिफिकली बनाएगा एम्ब्रियो को। इसका काम होता है कि ये क्या बनाए? इसका काम होता है कि स्पेसिफिकली ये एम्ब्रियो की सिंथेसिस करे। तो यहां पर ये बनाएगा एम्ब्रियो, और ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियो। तो अब यहां पर जो सेल्स है वो टोटिपोटेंट नहीं हो सकते, वो टोटिपोटेंट नहीं होंगे। टोटिपोटेंट सिर्फ कब तक होंगे? जब एट सेल स्टेज होगी, क्योंकि एट सेल स्टेज में ट्रोफोब्लास्ट भी बन सकता है, इनर सेल मास भी बन सकता है, एम्ब्रियो भी बन सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बन सकती है। इसके बाद यहां पर अब ये जो इनर सेल मास के सेल्स है, वो कैसे सेल्स होंगे? वो यहां पे प्लूरीपोटेंट होंगे। अब ये वाले जो सेल्स होंगे वो प्लूरीपोटेंट होंगे। कौन से वाले सेल्स? जो कि प्रेजेंट है इनर सेल मास वाले, इनर सेल मास वाले। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकते हैं, ये होल एम्ब्रियो बना सकते हैं, एम्ब्रियो की सारी चीजें बना सकते हैं जो जो एक एम्ब्रियो के चाहिए। लेकिन
ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं बना सकते, प्लेसेंटा नहीं बना सकता है, तो यहां पर इसलिए हम इसको प्लूरिपोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो एम्ब्रियो में स्पेसिफिक टिश्यू बनने लगेंगे, उसका हार्ट बनने लगेगा, उसका नर्वस सिस्टम बनने लगेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बनने लगेगा। तो फिर यहां पर जो स्पेसिफिक टिश्यू बनने लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोटेंट सेल्स बनाए बोलेंगे। मल्टीपोटेंट कंडीशन क्या होती है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, लेकिन कैसे स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक सेल टाइप्स को ही बना सके, वो पूरा एम्ब्रियो नहीं बना सकते, वो एक टिश्यू के सेल्स को बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, तो मैंने बोला हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके ब्लड के सेल्स को बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बी सेल बना सकते हैं, टी सेल बना सकते हैं, आरबीसी को बना सकते हैं, यहाँ पर ये और कौन से न्यूट्रोफिल्स को बना सकते हैं, मतलब ब्लड सेल्स को बना सकते हैं। क्या ये पूरी बॉडी के सेल्स को बना सकते हैं? नहीं, पूरी बॉडी के सेल्स को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाएंगे, ये स्पेसिफिक टिश्यू के सेल्स को बना सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मल्टीपोटेंट सेल। ऐसे इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं मल्टीपोटेंट में, जैसे कि मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और होता है न्यूरल स्टेम सेल्स। न्यूरल स्टेम सेल्स यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को बनाएगा। मेसेनकाइमल जो है वो मायोसाइट्स को बनाएगा, कॉन्ड्रोसाइट्स को बनाएगा, एडिपोसाइट्स को बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को बनाएगा। तो यहाँ पर जो मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं वो अडल्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे में अगर कोई सेल्स डैमेज हो गए तो उनको वापस से बनाना पड़ेगा। जैसे कि आरबीसीज जो हैं वो सिर्फ 120 दिन सर्वाइव करते हैं, फिर उनको फिर से बनाना होता है, तो हमें उसके लिए हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स चाहिए, तो वो हमारे पास अडल्ट के पास भी प्रेजेंट होते हैं। प्लूरिपोटेंट कौन से होते हैं, इनर सेल मास वाले होते हैं, जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, जो कि हम बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट में प्रेजेंट है। और टोटिपोटेंट तो शुरू वाले ही होते हैं, शुरू वाले जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, जो कि यहाँ पर सारी की सारी चीजों को बना सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है गाइस तीनों के बीच में, मल्टीपोटेंट।